हेलो बच्चों। दोस्तों कई जीत कई हार बाकी हैं, कई जीत कई हार बाकी हैं। अभी तो पीरियोडिक टेबल का पूरा सार बाकी है, अभी तो पीरियोडिक टेबल का पूरा सार बाकी है। आओ चले मंजिल की तरफ, आओ चले मंजिल की तरफ। ये तो एक पन्ना था, अभी तो दोस्तों पूरी किताब बाकी है। दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड करने के बाद, एलिमेंट्स की कंप्लीट क्लासिफिकेशन के बाद, आज वक्त हो गया है इन एलिमेंट्स से रिलेटेड मैजिक नंबर्स को अंडरस्टैंड करने का, एलिमेंट्स के मैजिक को अंडरस्टैंड करने का। देखिए मैजिक नंबर्स क्या है, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी पर्टिकुलर ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो टू सक्सेसिव एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस डेफिनेट होगा, इसी डिफरेंस को बोला जाएगा मैजिक नंबर। आइए कंप्लीट मैजिक को देखने के लिए सबसे पहले मैजिक नंबर की डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप देयर इज डेफिनेट गैप ऑफ एटॉमिक नंबर बिटवीन टू सक्सेसिव एलिमेंट्स, दिस डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड मैजिक नंबर। देखिए ग्रुप वन एलिमेंट्स के लिए मैजिक नंबर्स क्या होंगे, ग्रुप वन की बात की जाएगी, ग्रुप वन एलिमेंट्स के लिए मैजिक नंबर्स होंगे, देखिए 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये होंगे मैजिक नंबर्स। देखिए मुझे मैजिक नंबर्स का आइडिया कहां से मिलता है, ये पूरी मायावी टेबल आपके सामने है, हम बात करेंगे ग्रुप वन की। देखिए ग्रुप वन में हाइड्रोजन लिथियम के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या है, 2 है, मैजिक नंबर 2 होगा। देखिए लिथियम सोडियम के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 8 है, मैजिक नंबर इसके कोरस्पोंडिंग 8 होगा। यहां देखिए सोडियम पोटासियम के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 8 है, मैजिक नंबर 8 होगा। पोटासियम रूबीडियम के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 18 है, मैजिक नंबर 18 होगा। रूबीडियम सीजियम के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 18 है, मैजिक नंबर 18 होगा। सीजियम फ्रेंसियम के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 32 है, कितना है, 32 है, तो मैजिक नंबर क्या होगा, अगर डिफरेंस 32 है तो मैजिक नंबर 32 होगा। आई होप ये आपने नोट किया होगा। इस प्रकार से हमने पहले ही ग्रुप वन के एलिमेंट्स के लिए क्या होंगे मैजिक नंबर्स इसकी बात की है। देखिए बिल्कुल यही मिलते हमें मैजिक नंबर्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से डिफरेंस हम चेक कर चुके हैं, हमें मैजिक नंबर्स या फिर टू सक्सेसिव एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस यही मिलता है जो आपके सामने इंडिकेटेड है। अब बात होगी ग्रुप टू एलिमेंट्स की। देखिए ग्रुप टू एलिमेंट्स के लिए हमें मैजिक नंबर्स क्या मिलते हैं, 8, 8, 8, 18, 18, 32, 8, 8, 18, 18, 32। देखिए एलिमेंट से ज्यादा जान पहचान के लिए हमें इन मैजिक नंबर्स को याद रखना होगा। जी हाँ, एलिमेंट से जितना ज्यादा फ्रेंडली आप होंगे, जितना उनके बारे में आप जानेंगे, उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो मैंने तो मैजिक नंबर्स को याद कर लिया है, क्या आपने भी याद कर लिया है, याद करना है। देखिए 4 से 12 हमें डिफरेंस 8 यूनिट्स का मिलता है। यहां देखिए मैग्नीशियम कैल्शियम के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस अगेन 8 यूनिट्स का है। यहां देखिए कैल्शियम स्ट्रोंटियम के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 18 यूनिट्स का है। स्ट्रोंटियम बेरियम के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस अगेन 18 यूनिट्स का है। बेरियम रेडियम की एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 32 यूनिट्स का है। क्या हमने इन्हीं मैजिक नंबर्स की बात की थी? जी हाँ, इन्हीं मैजिक नंबर्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मुझे याद है, इसलिए मैंने पहले ही इन मैजिक नंबर्स को करेक्टली इंडिकेट किया था, आप भी याद कर लीजिए। अब बात होगी ग्रुप थ्री एलिमेंट्स के लिए, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए क्या होंगे मैजिक नंबर्स। देखिए मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूं मैजिक नंबर्स क्या होंगे। देखिए 18, 18, 32, 18, 18, 32, ये होंगे मैजिक नंबर्स। कैसे होंगे, पूरी माया को जानने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। यहां देखिए स्कैंडियम से यूटेरियम कितनी यूनिट्स का डिफरेंस है एटॉमिक नंबर का, देखिए
ये डिफरेंस 18 यूनिट्स का है, और y से la देखिए डिफरेंस कितने यूनिट्स का है, एटॉमिक नंबर 57 है, ये डिफरेंस अगेन 18 यूनिट्स का है। और ये देखिए la से ac, यहां एटॉमिक नंबर 89 है, यहां एटॉमिक नंबर 57 है, डिफरेंस होगा 32 यूनिट्स का। तो देखिए थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए हमें मैजिक नंबर्स यही मिलते हैं जो आपके सामने हैं, ये मिलते हैं मैजिक नंबर्स। इसके बाद देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की माया क्या है, ग्रुप फोर से लेकर ग्रुप 12 तक आपको मैजिक नंबर्स से मिलते हैं। क्या मिलते हैं देखिए, आपको मिलते हैं 18 32 32। कैसे मिलते हैं, आइए वापिस चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखते हैं। यहां देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की जाए, ग्रुप 4 से लेकर 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए 4 टू 12 हमें बात करनी है, जी हां, यहां से लेकर यहां तक हमें एक साथ बात करनी है। ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए TI से ZR एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितने यूनिट्स का है, 18 यूनिट्स का है। यहां देखिए ZR से HF कितने यूनिट्स का है, डिफरेंस 32 का है, HF से RF अगेन 32 यूनिट्स का है। देखिए ऐसा क्यों हुआ है, ग्रुप 3 में ऐसा क्यों नहीं हुआ था, देखिए यहां पर 18 32 32, ये 18 18 तो सेम है, यहां 18 है यहां 32 है, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के एग्जिस्ट करते हैं, इन 14 एलिमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको डिफरेंस ज्यादा मिलता है। ये 14 एलिमेंट्स यहां से मिसिंग है, ये 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के हैं, एफ ब्लॉक की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इन 14 एलिमेंट्स को हमें नीचे इंडिकेट करना होगा, यानी यहां से 14 एलिमेंट्स मिसिंग होंगे। देखिए LA से HF आपको 14 एलिमेंट्स मिसिंग मिलते हैं, C एटॉमिक नंबर 58 से LU एटॉमिक नंबर 71 तक ये 14 एलिमेंट्स आपको मिसिंग मिलते हैं। नॉर्मली यहां से यहां 1 यूनिट से एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, लेकिन यहां से यहां देखिए यहां से यहां 15 यूनिट से एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। इसका क्या मीनिंग है, 14 एलिमेंट्स मिसिंग है, और ये एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट है, एफ ब्लॉक में प्रेजेंट है। तो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस यहां से यहां देखिए जितना होना चाहिए था, इससे 14 यूनिट्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से यहां भी 14 यूनिट्स एटॉमिक नंबर का डिफरेंस आपको क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। यानी पहले आपको 18 यूनिट्स मिलता था, अब कितना मिलेगा, अब आपको 32 यूनिट्स मिलेगा। आई होप इस पूरी माया को आपने अंडरस्टैंड किया होगा, और ग्रुप 4 से ग्रुप 12 तक ये कहानी आपको सेम मिलेगी, यहां से यहां डिफरेंस 18 यूनिट्स का है, यहां से यहां अगेन देखिए यहां 32 था, यहां भी आपको 32 यूनिट्स का मिलता है, यहां भी देखिए आपको यहां 32 यूनिट्स का था, तो यहां भी आपको 32 यूनिट्स का डिफरेंस मिलता है। यानी ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स की मैजिक नंबर्स आपको क्या मिलते हैं, सेम मिलते हैं। इसी कहानी को हमने यहां पर इंडिकेट किया है, ग्रुप 4 से ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स की एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस्ड एलिमेंट्स के मैजिक नंबर्स आपको क्या मिलते हैं, सेम मिलते हैं। और कितने मिलते हैं देखिए, 18 32 32, इस प्रकार से मिलते हैं, ये होंगे इनके मैजिक नंबर्स। अब देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक एक साथ ही बात करनी होगी। आई होप ये हिंट आपको मिल चुका है, इन सभी एलिमेंट्स के मैजिक नंबर्स क्या होंगे, सेम होंगे। कैसे सेम होंगे, क्या होंगे मैजिक नंबर्स, आइए इस पूरी माया को जानने के लिए हम बात करें ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के लिए कितने होंगे मैजिक नंबर्स, क्या होंगे मैजिक नंबर्स। देखिए 5 से 13 ये डिफरेंस आपको मिलता है 8 यूनिट्स का, यहां देखिए 31 एंड ये 13 है, डिफरेंस कितने यूनिट्स का है, 18 यूनिट्स का है। एल्यूमिनियम से गैलियम अगर हम मूव करते हैं, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है, एल्यूमिनियम का 13 है, 31 माइनस 13 डिफरेंस मिलता है 18 यूनिट्स का। यहां देखिए गैलियम से इंडियम 49 माइनस 31 डिफरेंस अगेन 18 यूनिट्स का। यहां देखिए इंडियम से थैलियम 81 माइनस 49
डिफरेंस मिलता है 32 यूनिट्स का। यहां देखिए यूयूटी एटॉमिक नंबर 113 माइनस एटॉमिक नंबर 81, डिफरेंस मिलता हमें अगेन 32 यूनिट्स का। और ऐसा ही ट्रेंड देखिए ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 में भी आपको मिल रहा होगा, चेक कर सकते हैं। यहां से आप मूव करने पर डिफरेंस 8 यूनिट्स का, यहां से आप मूव करने पर 18 यूनिट्स का, यहां से आप मूव करने पर 18 यूनिट्स का, यहां से आप मूव करने पर 32 यूनिट्स का, यहां से आप मूव करने पर देखिए 32 यूनिट्स का डिफरेंस मिलता है। लेकिन ग्रुप 18 के केस में आपको मैजिक नंबर्स एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेंगे। देखिए हीलियम के एग्जिस्ट करने की वजह से यहां से यहां डिफरेंस आपको मिलता है 8 यूनिट्स का, और बाकी नीचे मूव करने पर जिस प्रकार से आपको यहां डिफरेंस मिल पाया है वैसे ही डिफरेंस आपको यहां भी मिलेगा। देखिए 8 यूनिट्स का यहां आपको डिफरेंस मिलता है या 18 का मिलता है, तो यहां भी देखिए 18 का ही मिलता है या 18 का मिलता है, तो यहां भी डिफरेंस आपको 18 यूनिट्स का मिल पाएगा। यहां डिफरेंस एटॉमिक नंबर का 32 यूनिट्स का है एंड यहां डिफरेंस 32 यूनिट्स का है। चलिए इसके बाद हमें डिस्कस करना है ग्रुप 13 से, ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक के एलिमेंट्स के मैजिक नंबर्स को एक साथ ही हमें डिस्कस करना है। जी हाँ, इन सभी ग्रुप में प्लेस्ड एलिमेंट्स के कोरस्पोंडिंग मैजिक नंबर्स हमें क्या मिलते हैं, सेम मिलते हैं, इसलिए इसकी बात एक साथ की जा सकती है। क्या होंगे मैजिक नंबर्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैजिक नंबर्स इस प्रकार से होंगे 8, 18, 18, 32, 32, 8, 18, 18, 32, 32, इस प्रकार से मैजिक नंबर्स आपको मिलते हैं। देखिए ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के मैजिक नंबर्स आपको क्या मिलते हैं, ये मैजिक नंबर्स आपको इस प्रकार से मिलते हैं। देखिए मैजिक नंबर्स आपको मिलते हैं इस प्रकार से 8, 8, 18, 18, 32, 32। जल्दी से मैजिक नंबर्स को नोट कीजिए और याद कीजिए। आई होप आपने मैजिक नंबर्स को नोट भी कर लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, केवल एलिमेंट्स एंड उनके एटॉमिक नंबर को ध्यान से देखने से ही आप एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर एटॉमिक नंबर के डिफरेंस को चेक कर सकते हैं। और ये डिफरेंस आपको इस प्रकार से मिलता है, इस डिफरेंस को ही बोला जाता है मैजिक नंबर। और इस प्रकार से आपको ये डिफरेंस मिल पाएगा एक पर्टिकुलर ग्रुप में टू सक्सेसिव एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर में। और ये देखिए डिफरेंस इस प्रकार से इंडिकेट किया है, ये क्या है, मैजिक नंबर्स हैं। हर ग्रुप के मैजिक नंबर्स आपको इस प्रकार से मिल पाएंगे पूरी पीरियोडिक टेबल में। हमने ग्रुप वाइज बात की है, मैजिक नंबर्स की बात की है, सक्सेसिव एलिमेंट की डिफरेंस की हमने बात की है। चलिए इसके बाद हमें डिस्कस करना है मैजिक नंबर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड आउट एक्स वाई जेड एंड डब्लू। इस प्रकार से एक्स वाई जेड एंड डब्लू हमें फाइंड आउट करना है। देखिए एटॉमिक नंबर की बात करनी है, 42 के लेफ्ट साइड आपको जो एलिमेंट मिलेगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 41 होगा। यहां देखिए 42 के राइट साइड जो एलिमेंट होगा इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर आपको मिलेगा 43। क्लियर है बात। अब देखिए हम डी ब्लॉक सीरीज के अंदर ये जो एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 42 के साथ डी ब्लॉक सीरीज से बिलोंग करता है, और ये ग्रुप 3 से बिलोंग नहीं करता, ग्रुप 3 के बाद होगा। जी हाँ, कौन सा ग्रुप होगा इसका आइडिया भी हम लगा पाएंगे, लेकिन ये डेफिनेट है कि ग्रुप 3 से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हम जानते हैं। देखिए 21, 39, 57, 89, इस प्रकार से एटॉमिक नंबर हमें ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के मिलते हैं। ये ग्रुप 3 से बिलोंग नहीं करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट है 18, 32, 32। ये मैजिक नंबर्स होंगे। जी हाँ, अगर ग्रुप 3 से बिलोंग नहीं करता है ग्रुप 4 से ग्रुप 12 तक किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता है तो मैजिक नंबर्स ये होंगे। आप देखिए अगर इस 42 में से 18 को माइनस करता हूं, 18 को माइनस करता हूं तो हमें ऊपर जो एलिमेंट मिलेगा इसका एटॉमिक नंबर क्या मिलेगा, ये मिलेगा 24। और इसमें अगर 32 प्लस करता हूं तो देखिए नीचे जो एलिमेंट होगा इसका एटॉमिक नंबर क्या मिलेगा, 32 प्लस करने के बाद ये हमें मिलेगा 74। तो ये होंगे इसके फाइनल आंसर। इस प्रकार से मैजिक नंबर्स को यूज करते हुए
आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। जी हाँ, एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आपको एलिमेंट गिवन होगा जिसका एटॉमिक नंबर आप जानते होंगे, उसके नियर बाय एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर क्या होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी के साथ मैजिक नंबर के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप सोल्व कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आगे देखिए, फाइंड आउट एक्स वाई एंड जेड, ये आपको गिवन है। एक्स वाई एंड जेड, ये देखिए एक्स आप जानते होंगे, डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर 33 के साथ एलिमेंट यहां पर हमारे पास है, तो इसके लेफ्ट साइड जस्ट लेफ्ट में जो एलिमेंट होगा इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 32 होगा। जी हाँ, 32, 33, 34, 35, इस प्रकार से। ये तो एटॉमिक नंबर 35 है, ये बिलोंग करता है पी ब्लॉक से, और ये हम जानते हैं ये नोबल गैस तो नहीं है। देखिए, नोबल गैस के एटॉमिक नंबर को हमने याद कर लिया है, एटॉमिक नंबर 210, ये याद करना भी है। जी हाँ, नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर को याद कर लीजिए, 210, 18, 36, 54, 86, आपने याद कर लिया होगा। ये देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन नोबल गैस नहीं है। अगर आपको याद हो पी ब्लॉक के केस में मैजिक नंबर्स क्या होंगे, देखिए पी ब्लॉक के केस में मैजिक नंबर्स होंगे 8, 18, 18, 32, 32, ये होंगे पी ब्लॉक के केस में मैजिक नंबर्स। कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप तक, ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक मैजिक नंबर्स ये होंगे। आइए इस कॉन्सेप्ट को यूज करें, इसमें से अगर 18 माइनस करते हैं, जी हाँ ऊपर जाएंगे तो 18 माइनस करना होगा, नीचे आएंगे तो 18 प्लस करना होगा, ऊपर जाना 18 माइनस करेंगे तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर क्या मिलेगा आपको, इसका एटॉमिक नंबर आपको मिलेगा 17। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। यहां देखिए नीचे जाने पर आपको 18 प्लस मिलता है, यानी ऊपर जाने पर 18 माइनस, नीचे आने पर एक बार 18 यूनिट से आपने एटॉमिक नंबर को इंक्रीज किया, फिर दूसरी बार भी आपने 18 यूनिट से एटॉमिक नंबर को इंक्रीज किया। अगर ऐसा किया है तो देखिए तीसरी बार नीचे आने पर आपको एटॉमिक नंबर कितनी यूनिट से इंक्रीज करना होगा, 32 यूनिट से इंक्रीज करना होगा, यानी 51 प्लस 32 क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, अगर 32 यूनिट से आपको इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करना होगा। और ये बात हमें यहां से पता चलती है तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा कितना, 83 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। जी हाँ, 32 ऐड करने पर एटॉमिक नंबर हो जाएगा 83। चलिए इसके बाद कुछ और इसी टाइप के क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी होगी, और इससे रिलेटेड एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इसमें हमें एबीसीडी फाइंड आउट करने हैं, अननोन एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर को हमें फाइंड आउट करना है, और एटॉमिक नंबर 5 के साथ बोरोन हमें गिवन है, ये तो आप जानते ही होंगे। ग्रुप नंबर 13 से लेकर 17 तक एलिमेंट्स के मैजिक नंबर्स इस प्रकार से होंगे 8, 18, 18, 32, 32, इस प्रकार से मैजिक नंबर्स होंगे। आई होप ये आप जानते होंगे। इन मैजिक नंबर्स को यूज करना होगा और हमें इन अननोन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करना होगा। देखिए बोरोन के नीचे जो भी एलिमेंट होगा इसका एटॉमिक नंबर क्या मिलेगा आपको, इस एटॉमिक नंबर में 8 ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 13। यहां एटॉमिक नंबर 13 के साथ एलिमेंट होगा और इसके नीचे जो एलिमेंट होगा देखिए इसके एटॉमिक नंबर में ऐड करना होगा 18। जी हां, इसको ऐड करने के बाद किस एटॉमिक नंबर के साथ इसके नीचे आपको एलिमेंट मिल पाएगा, इसके नीचे आपको एलिमेंट मिल पाएगा एटॉमिक नंबर 31 के साथ। आपने ऐड किया इसमें प्लस 18, 31 एटॉमिक नंबर के साथ यहां पर आपको एलिमेंट मिल पाएगा। देखिए 8 ऐड किया, उसके बाद 18 ऐड किया, उसके बाद आपको 18 ऐड करना होगा। देखिए इसमें 18 ऐड करने के बाद इसके नीचे जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर आपको मिल पाएगा, क्या होगा, ये होगा 49। इसके बाद इसके नीचे जो एलिमेंट होगा इस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को पता करने के लिए हमें यहां पर 32 ऐड करना होगा। 32 ऐड करने के बाद देखिए इसके नीचे जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर हमें मिल पाएगा कितना, 81 मिल पाएगा। अगर आपने इस प्रकार से
बोरोन से नीचे जो एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर लिया है, तो आसानी के साथ ए बी सी डी को कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखिए 13 एटॉमिक नंबर यहां है तो यहां एटॉमिक नंबर क्या होगा, 14 होगा। अगर यहां 31 है तो यहां देखिए 32 होगा, जी हां, यहां कितना होगा 33 होगा, ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। यहां एटॉमिक नंबर 49 है तो यहां देखिए एटॉमिक नंबर आपको क्या मिलता है, 50 मिलता है। यहां एटॉमिक नंबर 51 तो यहां एटॉमिक नंबर क्या होगा, 52 होगा। यहां देखिए एटॉमिक नंबर 81 है तो यहां 82 होगा, यहां 83 होगा, यहां कितना होगा 84 होगा। इसके बाद यहां एटॉमिक नंबर आपको क्या मिल पाएगा 85। आई होप इस पूरी माया को आपने अंडरस्टैंड किया होगा, आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंचे होंगे। देखिए इसके बाद एक और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर आपको मैजिक नंबर के कॉन्सेप्ट को यूज करना है और फाइंड आउट करना होगा ए बी सी डी एंड ई को। देखिए मैजिक नंबर का कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर पाएंगे, इसके लिए आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए कि जो एटॉमिक नंबर गिवन आपको, ये जो एटॉमिक नंबर 21 आपको गिवन है, ये कौन से ब्लॉक से है। सोचिए नीचे देखिए 57, और 57 से तो कुछ याद आया होगा आपको, 58 से लेकर 71 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यहां से मिसिंग होंगे, जी हां 58 से 71 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट्स मिसिंग होंगे, कहां प्रेजेंट होंगे, एफ ब्लॉक में प्रेजेंट होंगे। आई होप आपको ये कहानी याद होगी, ये कौन से एलिमेंट्स हैं, ये लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं। ये कौन से एलिमेंट है, लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो देखिए 57 के बाद यहां एटॉमिक नंबर आपको 58 नहीं मिलेगा, आपको यहां एटॉमिक नंबर मिलेगा 72, 71 के बाद आपको एटॉमिक नंबर 72 मिलेगा यहां पर। आई होप इस पॉइंट को आपने नोट कर लिया होगा। यहां देखिए 57 से पहले आपको एटॉमिक नंबर मिलेगा 56, इसको नोट किया है। और ये कौन सा ग्रुप होगा, याद कीजिए, दिमाग पर जोर डालिए, कौन सा ग्रुप होगा, ये ग्रुप 3 होगा। और ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के मैजिक नंबर्स क्या आपको याद हैं, देखिए ग्रुप 3 के बाद 4 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स के मैजिक नंबर्स 18, 32, 32 होते हैं, लेकिन ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के मैजिक नंबर्स 18, 18, 32 होते हैं। आइए इन मैजिक नंबर्स को यूज करते हैं। यहां से यहां देखिए एटॉमिक नंबर 18 यूनिट से इंक्रीज हुआ, यहां से यहां 18 यूनिट से इंक्रीज हुआ, तो आगे देखिए आगे कितने यूनिट से इंक्रीज होगा, 32 यूनिट से इंक्रीज होगा, यानी ये सी कितना होगा, अगर 32 यूनिट से इंक्रीज होगा तो सी होगा 89। अब देखिए 82 से पहले जो एलिमेंट होगा इसका एटॉमिक नंबर 81 होगा, 104 एटॉमिक नंबर के बाद जो एलिमेंट होगा इसका एटॉमिक नंबर 105 होगा। आई होप आपने भी इस प्रकार से ए बी सी डी एंड ई कैलकुलेट किए होंगे। तो चलिए ए बी सी डी एंड ई कैलकुलेट करने के बाद अब हमें एक ऐसी टेक्निक को जानना है जिसे आसानी के साथ ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर आप चेक कर पाएंगे। एटॉमिक नंबर आपको गिवन होगा, आपको इस पूरी जादुई कहानी को जानना है किस प्रकार से एटॉमिक नंबर आपको गिवन होगा तो पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर आप चेक कर पाएंगे, जी हां आप ही चेक कर पाएंगे। देखिए कैसे, इसके लिए सबसे पहले हमें बात करनी होगी पीरियड नंबर की। पीरियड नंबर के लिए क्या टेक्निक अप्लाई करनी होगी, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करना होगा। कैसे रिप्रेजेंट करना होगा, आउबाव प्रिंसिपल, हंट्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जितने भी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होंगे, उन सभी कॉन्सेप्ट से हम एक बेहतरीन अंदाज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद हम पीरियड नंबर चेक कर पाएंगे। द पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन ऑफ वैलेंशियल। देखिए एन ऑफ वैलेंशियल यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
ऑफ वैलेंशियल वैलेंशियल गिव्स पीरियड नंबर, गिव्स पीरियड नंबर, ये हम बोल सकते हैं। कैसे पीरियड नंबर मिलता है इसकी पूरी माया को अंडरस्टैंड करना होगा। देखिए इसको इस प्रकार से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, जैसे हाइड्रोजन का पीरियड नंबर क्या है, अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s1, पीरियड नंबर देखिए क्या होगा, n क्या होगा, n1 होगा, यानी पीरियड नंबर 1 होगा। ऐसे ही अगर बोरोन के पीरियड नंबर की बात करनी हो, कोई भी एलिमेंट आपको दिया हो सकता है एटॉमिक नंबर 5 के साथ, बोरोन का पीरियड नंबर क्या होगा, देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p1। n क्या है, यहां से देखिए वैलेंस शेल के लिए n क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, n2 है देखिए, जी हां। तो यहां से हमें पीरियड नंबर क्या मिलता है, पीरियड नंबर यहां से हमें 2 मिलता है। अब देखिए ऐसे ही क्लोरीन आपके पास हो, क्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या होगा क्लोरीन का, 17 होगा, जानते होंगे आप, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, देखिए यहां तक 4 प्लस 6 10 इलेक्ट्रॉन्स को आपने फिल किया है। इसके बाद 3s2 17 इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल कर चुके हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने इलेक्ट्रॉन्स को आपने एक बेहतरीन अंदाज में इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। यहां देखिए वैलेंशियल का n क्या होगा, n3 होगा, यानी इसका पीरियड नंबर क्या होगा, इसका पीरियड नंबर होगा 3। इस प्रकार से वैलेंशियल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देगा पीरियड नंबर की। तो हमने पीरियड नंबर पहचानना सीख लिया है। अगर हमें कोई भी एलिमेंट गिवन हो और एटॉमिक नंबर हम जानते हो, आसानी के साथ इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए जो वैलेंस शेल के कोरस्पोंडिंग आपको एन मिलता है, वही एन इंडिकेट करेगा पीरियड नंबर को। क्या और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जी हां और प्रैक्टिस भी होगी, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। अगर आप पीरियड नंबर जानते हैं तो देखिए किस प्रकार से एलिमेंट को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लोकेट किया जा सकता है। अगर आप जानते हैं पीरियड नंबर तो आपको जानना होगा ग्रुप नंबर। इस प्रकार से अगर आप ग्रुप नंबर भी जानते हैं तो आप आसानी के साथ एलिमेंट को लोकेट कर पाएंगे, पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या होगी इसका आप आसानी के साथ पता कर पाएंगे। जी हां इसके लिए आपको दोनों ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। ग्रुप नंबर हमें कहां से मिलेगा, हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल से मिल पाएगा ग्रुप नंबर। ये हम कैसे देख पाएंगे, इसकी और ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ये हम चेक कर पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने से। कैसे चेक कर पाएंगे, और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए आपको इंतजार करना होगा। इससे पहले हमें बात करनी होगी ग्रुप नंबर की। ग्रुप नंबर के लिए हमें क्या जानना होगा, देखिए ग्रुप नंबर के लिए हमें जानना होगा ब्लॉक, कौन से ब्लॉक से वह एलिमेंट बिलोंग करता है। ब्लॉक कैसे जानना होगा, देखिए टाइप ऑफ ऑर्बिटल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स रिप्रेजेंट द ब्लॉक। देखिए जिस ऑर्बिटल में अंतिम इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वह ऑर्बिटल इंडिकेट करता है ब्लॉक को। कैसे, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर होगा इस प्रकार से, यह एस ऑर्बिटल है, तुम बोलेंगे कौन सा ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक होगा। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर होगा, ये देखिए ये पी सबसेल है, ये क्या है, पी सबसेल है, इसके कोरस्पोंडिंग कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 होंगे। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर होगा तो देखिए कौन सा ब्लॉक होगा, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल या पी ऑर्बिटल में, ये पी ऑर्बिटल है, इसमें एंटर होगा, किसी भी पी ऑर्बिटल में एंटर होगा तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक होगा, कौन सा ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर होगा, ये हमारे पास डी सबसेल है,
1, 2, 3, 4, 5 इसके 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये डी सबसेल है, और इसके कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 ऑर्बिटल्स हैं। इन 5 ऑर्बिटल्स में से किसी भी ऑर्बिटल में अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो देखिए कौन सा ब्लॉक होगा, ये हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है। किसी भी डी ऑर्बिटल में एंटर हो सकता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो इसका ब्लॉक हो जाएगा डी ब्लॉक। ऐसे ही अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में या एफ ऑर्बिटल में एंटर हो, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारे पास 7 एफ ऑर्बिटल्स हैं, और ये क्या है, ये हमारे पास एफ सबसेल है। जी हाँ, इसके किसी भी ऑर्बिटल में ये देखिए ये एफ ऑर्बिटल है, इसके किसी भी ऑर्बिटल में अगर एंटर होगा इलेक्ट्रॉन तो ब्लॉक कौन सा होगा, एफ ब्लॉक होगा। देखिए इस पूरी माया को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिटेल में आपको बताया गया है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो देखिए जिस टाइप के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वही उसका क्या होगा, ब्लॉक होगा। तो इसका ब्लॉक क्या होगा, इसका ब्लॉक होगा एफ ब्लॉक। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल और कौन सी सबसेल में एंटर होगा, तो इससे हम ब्लॉक का आइडिया लेंगे। अगर आप ब्लॉक जानते हैं तो आसानी के साथ ग्रुप नंबर की बात की जा सकती है। देखिए ग्रुप नंबर को पता करने के लिए ब्लॉक तो आपको पता होना ही चाहिए, इसके साथ में एक और इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जी हाँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल एंड पेनल्टीमेट शेल। देखिए वैलेंस शेल को इंडिकेट किया जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से, देखिए किस प्रकार से एन होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल, ये होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल होगा। तो पेनल्टीमेट सेल क्या है, वैलेंस सेल से जस्ट अंदर जो सेल होगी उस सेल को बोला जाएगा पेनल्टीमेट सेल, यानी इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, तो इसका क्वांटम नंबर क्या होगा, n माइनस 1 होगा। जी हां, ये होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ पेनल्टीमेट सेल। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी हमें कंसिडर करना होगा, और कुछ केसेस में हमें पेनल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी कंसिडर करना होगा। कैसे कंसिडर करना होगा, इस पूरी माया को क्वेश्चंस में हम जानेंगे, लेकिन इसका बेसिक आइडिया हमें यहीं से ही लेना होगा। हर केस में जरूरी नहीं है पेनल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। यहां देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में हम कैसे ग्रुप नंबर डिसाइड कर पाएंगे, देखिए इन केस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनएस। अगर कॉन्फ़िगरेशन NS1 है तो देखिए ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर 1 होगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की NS2 है तो देखिए ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर 2 होगा, यानी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन सी सबसेल में है, एस सबसेल में है, तो ग्रुप नंबर क्या होगा, 2 होगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है और एस सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर क्या होगा, 1 होगा। आई होप एस ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में ग्रुप नंबर कैसे कैलकुलेट करना है ये आप जान चुके हैं। तो वक्त हो गया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में किस प्रकार से ग्रुप नंबर को हम कैलकुलेट कर पाएंगे, इसको हमें जानना है। तो देखिए ग्रुप नंबर किसके इक्वल होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में ग्रुप नंबर इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनएस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनपी प्लस 10। इस प्रकार से ग्रुप नंबर आसानी के साथ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में हम कैलकुलेट कर पाएंगे। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। देखिए अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं
तो एक एग्जांपल से और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। एटॉमिक नंबर अगर 15 हो तो कैसे ग्रुप नंबर हम कैलकुलेट कर पाएंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट है, कैसे हमें पता चल पाएगा ये पी ब्लॉक एलिमेंट है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 1s2। जी हां, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो एक ही सबसेल होगी, ये कौन सी होगी? 1s होगी। n इज इक्वल टू 2 है तो कौन सी सबसेल होगी? 2s2p। टू सबसेल्स होंगी। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, ये आप जानते हैं 3 ऑर्बिटल्स है तो मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। इसके बाद देखिए 4+6 10 इलेक्ट्रॉन्स को हम अरेंज कर चुके हैं, इसके बाद रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए s में होंगे 2, 2p के बाद 3s होगी, ये आउबाव प्रिंसिपल से आप जानते होंगे। 3s में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाद 3p सबसेल होगी, इसमें रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस प्रकार से 15 इलेक्ट्रॉन्स को एक बेहतरीन अंदाज में हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो देखिए यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल क्या होगा, n क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल ये 3 होगा, n 3 होगा, यानी पीरियड नंबर क्या होगा? पीरियड नंबर इस केस में 3 होगा। देखिए पीरियड नंबर देख चुके हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, पीरियड नंबर हमें 3 मिलता है। ग्रुप नंबर क्या होगा? पी ब्लॉक एलिमेंट है। जी हां, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में ही एंटर है तो इसका मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट है। अगर पी ब्लॉक एलिमेंट है तो एनएस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एनपी में 3 है और 10 और ऐड करने हैं। तो देखिए ग्रुप नंबर क्या होगा, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंटर हुआ है तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनएस 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनपी 3 प्लस 10। तो यहां से हमें ग्रुप नंबर क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनएस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनपी प्लस 10 से हमें मिल पाएगा ग्रुप नंबर 15। इस प्रकार से आसानी के साथ ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर की बात की जा सकती है। आइए डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में कैसे ग्रुप नंबर की बात की जा सकती है ये हमें डिस्कस करना है। देखिए अंदाज यहां पर डिफरेंट होगा, हर केस में, हर ब्लॉक के केस में अंदाज डिफरेंट होगा ग्रुप नंबर कैलकुलेट करने का। यहां पर ग्रुप नंबर ऐसे कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनएस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन माइनस 1d। देखिए एनएस में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें ऐड करना होगा एन माइनस 1d के इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहां से हमें क्या मिल पाएगा, यहां से हमें ग्रुप नंबर डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में मिल पाएगा। कैसे मिल पाएगा, आसानी के साथ इसका एक प्रमाण आप देख सकते हैं। कैसे? Z इज इक्वल टू 22 है, इसका क्या होगा ग्रुप नंबर? ध्यान दीजिएगा, आउबाव प्रिंसिपल से, n प्लस l रूल से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलती है, क्या सीक्वेंस मिलता है? देखिए सबसेल्स की एनर्जी का, सबसे पहले 1s को फिल करना होगा, इसके बाद 2s को, इसके बाद 2p को। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2p के बाद 3s को, 3s के बाद 3p को, इसके बाद 4s को। जी हां, 3d को बाद में फिल करना है, ये बताया जा चुका आपको। तो यहां से यहां तक देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर चुके हैं, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 2 22 इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल किया है। ये देखिए वैलेंस शेल की कोरस्पोंडिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या है, 4 है, यानी यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से हमें पीरियड नंबर मिलता है। पीरियड नंबर क्या होगा इसका, इसका पीरियड नंबर 4 होगा। और ये सब सेल वैलेंस शेल की कोरस्पोंडिंग है, ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी? देखिए n की मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब वैलेंस शेल होगी तभी n की मैक्सिमम वैल्यू होगी। n यहां पर 4 है, यानी पीरियड नंबर क्या होगा, 4 होगा। ग्रुप नंबर के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप नंबर के लिए हमें ns में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस n माइनस 1d में जितने इलेक्ट्रॉन्स, n माइनस 1d तो यही हुआ। जी हां, n 4 है
तो ये देखिए क्या है, ये n माइनस वन है, n माइनस वन डी में टू इलेक्ट्रॉन्स है एंड ns में टू इलेक्ट्रॉन्स है, टू प्लस टू फोर। तो यहां से ग्रुप नंबर क्या मिलता है, यहां से ग्रुप नंबर फोर मिलता है, पीरियड नंबर भी फोर है और ग्रुप नंबर भी क्या है, पीरियड नंबर फोर है, ग्रुप नंबर भी फोर है। नोट कीजिएगा, अगर आप इस इंपोर्टेंट पॉइंट को नोट कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए इसे भी नोट करना होगा, ये जो एन एस सबसेल है ये वैलेंस सेल की कोरस्पोंडिंग है। जी हाँ, वैलेंस सेल की कोरस्पोंडिंग जो एन एस सबसेल है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को तो काउंट करना ही होगा, साथ में एन माइनस वन डी सबसेल ये किसके कोरस्पोंडिंग है, ये पेनल्टी मेड सेल की कोरस्पोंडिंग है। पेनल्टी मेड सेल की सबसेल को भी आपको कंसिडर करना होगा, और कौन सी सबसेल को आपको कंसिडर करना होगा, एन माइनस वन डी सबसेल को कंसिडर करना होगा जो कि पेनल्टी मेड सेल की कोरस्पोंडिंग है। दोनों से ही मिलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के बाद हमें डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या मिल जाएगा, ग्रुप नंबर मिल जाएगा। इसके बाद बारी है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कैसे ग्रुप नंबर कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, ग्रुप नंबर फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू थ्री। ग्रुप नंबर एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए हमेशा क्या होगा, थ्री होगा। आइए इस पूरी माया को अंडरस्टैंड करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ नजर डालते हैं। ये देखिए ये ग्रुप नंबर है, एफ ब्लॉक एलिमेंट के केस में ग्रुप नंबर ऑलवेज क्या होगा, थ्री होगा। क्यों थ्री होगा, यहां से देखिए मिसिंग होंगे आपके 14 एलिमेंट्स एंड यहां से मिसिंग होंगे 14 एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स यहां प्रेजेंट होंगे लेंथेनाइड एक्टिनाइड की फॉर्म में, यानी ग्रुप नंबर इनके लिए थ्री होगा। ये देखिए यहीं से ही 14 एलिमेंट्स मिसिंग होंगे और यहीं से ही 14 एलिमेंट्स मिसिंग होंगे। यहां देखिए एक्टिनाइड सीरीज के 14 एलिमेंट्स यहां से मिसिंग होंगे, लेंथेनाइड सीरीज के 14 एलिमेंट्स यहां से मिसिंग होंगे, यानी यहीं से मिसिंग होंगे। तो हम बोल सकते हैं इनके लिए ग्रुप नंबर क्या होगा, ऑलवेज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर थ्री के इक्वल होगा। आई होप इस कहानी को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप इस कहानी को अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो चलिए आगे चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कैसे हम डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर की बात कर सकते हैं, यानी हम लोकेट कर पाएंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर के साथ। जैसे डिटरमाइन पोजिशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए इस ए पार्ट को डिस्कस करते हैं, एटॉमिक नंबर जेड क्या है इसका, देखिए 52 इसका एटॉमिक नंबर है। आइए वन बाय वन सभी पार्ट्स को डिस्कस करना है और इसमें हमें सबसे पहले ए पार्ट को डिस्कस करना है। ए पार्ट में हमें बात करनी है किसी एलिमेंट की, एलिमेंट एक्स हमें गिवन है और इसका एटॉमिक नंबर जेड कितना है, जेड इज 52, यानी हमें 52 इलेक्ट्रॉन्स को आवभाव प्रिंसिपल यूज करते हुए, हंट्स रूल यूज करते हुए, हमें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को यूज करते हुए इन 52 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है। किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन अगर सबसेल्स की कोरस्पोंडिंग हमें देखनी है तो इसके लिए सबसेल्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करना होगा। कैसे, 1s 1s के बाद 2s 2p, 2s 2p के बाद 3s 3p 3d, इसके बाद 4s 4p 4d 4f, इसके बाद 5s 5p 5d 5f, इसके बाद देखिए 6s 6p 6d 6f। इस प्रकार से आप सबसेल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपने रिप्रेजेंट कर भी लिया होगा। देखिए फर्स्ट सेल के कोरस्पोंडिंग 1 सबसेल होगी, सेकंड सेल के कोरस्पोंडिंग 2 सबसेल्स होंगी, थर्ड सेल के कोरस्पोंडिंग 3 सबसेल्स होंगी, फोर्थ सेल के कोरस्पोंडिंग 4 सबसेल्स होंगी। ऐसे ही हमें 4 सबसेल्स तक की बात करनी होगी। 4 के बाद फिफ्थ सेल के कोरस्पोंडिंग हमें 4 ही सबसेल्स की बात करनी होगी। क्यों करनी होगी, इस पूरी माया को पहले ही एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो देखिए हमें बात करनी होगी एफ तक ही, और यह आपको जानना होगा n इज इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग 1s, 2 के कोरस्पोंडिंग 2s 2p, 3 के कोरस्पोंडिंग 3s 3p 3d एंड सो ऑन, 4 के कोरस्पोंडिंग 4f तक बात करनी होगी, 5 के कोरस्पोंडिंग 5f तक बात करनी होगी, 6 के कोरस्पोंडिंग भी आपको 6f तक ही, यानी f तक ही आपको बात करनी होगी।
इसके बाद आओबाओ प्रिंसिपल से अगर सबसेल्स की एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें अंडरस्टैंड करना हो तो इसकी टेक्निक आपको बताई जा चुकी है। इस प्रकार से एरोस को ड्रॉ करना है, एरो के हेड को एरो की टेल से ज्वाइन करना होगा, इस प्रकार से ज्वाइन करना होगा, एरो के हेड को अगले एरो की टेल से ज्वाइन किया होगा, इससे आपको सबसेल्स की एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल जाएगा। जी हां, और एक सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? एस में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, एफ में मैक्सिमम 14 आ सकते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए कैसे आ सकते हैं। देखिए, एक ऑर्बिटल होगा मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 3 ऑर्बिटल होंगे मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होंगे तो मैक्सिमम 10 आ सकते हैं। देखिए ध्यान से, 7 ऑर्बिटल्स होंगे तो मैक्सिमम 14 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 होंगे तो मैक्सिमम 14 आ सकते हैं। आई होप इस बात को भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा। आइए एटॉमिक नंबर 52 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी इसको जानेंगे। देखिए, एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 52 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, ब्लॉक कौन सा होगा, देखिए इस पूरी माया को जानना है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1s2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2s2, इसके बाद 2p में, 2s के बाद देखिए 2p, 2p में 6 होंगे, 2p6, इसके बाद 3s, 3s में 2 होंगे, इसके बाद देखिए ऐसे चलते जाना है, 3p में कितने होंगे, 6 होंगे, इसके बाद 4s में 2 होंगे, ऐसे ही 4s के बाद बात करनी है 3d की, इसमें मैक्सिमम होंगे 10, इसके बाद देखिए 3d के बाद 4p, 4p में मैक्सिमम होंगे 6, इसके बाद देखिए 5s, 5s में 2 होंगे, जी हाँ, s में मैक्सिमम 2 होंगे। अभी यहां तक हमें इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी सबसेल्स में फिल किया जा चुका है। देखिए 2 + 2 = 4, 4 + 6 = 10, 10 + 2 = 12, 12 + 6 = 18, 18 + 2 = 20, 20 + 10 = 30, 30 + 6 = 36 + 2 = 38, 38 इलेक्ट्रॉन्स को अभी तक हम फिल कर चुके हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद 5s के बाद 4d, 4d में होंगे 10, यानी 48 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर चुके हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद है 5p, 5p में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर 48 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर चुके हैं तो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स 5p में होंगे। और इस प्रकार से हमने Z इज इक्वल टू 52 के लिए एक बेहतरीन अंदाज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर लिया है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने से आसानी के साथ ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर का पता लगाया जा सकता है। देखिए कैसे, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंटर हुआ है, यानी ब्लॉक कौन सा होगा, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंटर हुआ है तो ब्लॉक होगा पी ब्लॉक होगा, क्लियर है बात। अब देखिए, ब्लॉक पी होगा, एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू से हमें आइडिया मिल पाएगा वैलेंस शेल का, वैलेंस शेल कौन सी होगी, देखिए वैलेंस शेल ये होगी, 5th होगी, यानी वैलेंस शेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पीरियड नंबर मिल पाएगा, पीरियड नंबर क्या होगा, एन की मैक्सिमम वैल्यू से, एन की मैक्सिमम वैल्यू से हमें पीरियड नंबर मिल पाएगा, एन की मैक्सिमम वैल्यू इंडिकेट करती है वैलेंस शेल को, पीरियड नंबर क्या होगा, 5 होगा। अब बारी ग्रुप नंबर की, देखिए ग्रुप नंबर के लिए क्या करना होगा, अगर पी ब्लॉक एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसके लिए एनएस के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना होगा, नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ एनपी इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10, याद होगा आपको एनएस इलेक्ट्रॉन्स प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 ये करना होगा। एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए एनएस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, देखिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस सबसेल की कोरस्पॉन्डिंग 2 है, ये देखिए एनपी में 4 है, यानी 2 + 4 + 10, यहां से ग्रुप नंबर क्या मिलता है, 16 मिलता है। देखिए पीरियड नंबर 5 है और ग्रुप नंबर कितना है, 16 है। इस बेहतरीन अंदाज में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो इंडिकेट किया ही है, साथ में इस एलिमेंट को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लोकेट भी कर लिया है। क्या लोकेशन होगी, क्या पीरियड नंबर होगा, क्या ग्रुप नंबर होगा, कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, ये पूरी माया आप जानते हैं।
जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक और अंदाज में भी इंडिकेट किया जा सकता है। यहां से यहां तक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन की है। क्रिप्टॉन की कैसे है? क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होता है। देखिए ये जो एक्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 36 तक, इसके बाद 5s2, इसके बाद 5s2, 4d10, 5s2, 4d10, और यहां देखिए 5s2, 4d10, 5p4, जी हाँ 5p4, इस प्रकार से भी इंडिकेट किया जा सकता है। जी हाँ, 36 इलेक्ट्रॉन्स यहां से मिलते हैं, यहां से देखिए 16 मिलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? इलेक्ट्रॉन्स हुए 52। जी हाँ, 52 इलेक्ट्रॉन्स को ही हमने इंडिकेट किया था। और इस प्रकार से एटॉमिक नंबर 52 के साथ कौन सा ग्रुप नंबर आपको मिलता है एलिमेंट का, और कौन सा पीरियड नंबर मिलता है, इसकी पूरी माया को अंडरस्टैंड किया जा चुका है। अब देखिए इसके बाद हमें बात करनी है एक और क्वेश्चन की। देखिए इसके बाद वाई एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू 72 के साथ कौन से पीरियड नंबर, कौन से ग्रुप नंबर में प्रेजेंट है, इसकी हमें बात करनी है। हमें बी पार्ट की बात करनी है। बी पार्ट में एलिमेंट वाई एटॉमिक नंबर 72 है। देखिए कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, हम यहां पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को यूज करेंगे। देखिए क्रिप्टॉन के बाद जिनोन को हमें यूज करना होगा। यहां पर एटॉमिक नंबर 72 है, ज्यादा एटॉमिक नंबर है, तो हम यहां पर जिनोन की कॉन्फ़िगरेशन को यूज करेंगे। जिनोन का एटॉमिक नंबर कितना है? जिनोन का एटॉमिक नंबर 54 है। यानी इसके बाद हमें रिमेनिंग 18 इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रकार से फिल करना होगा। आओ बाओ प्रिंसिपल n प्लस l रूल को फॉलो करते हुए 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके बाद 4f में 14 होंगे, एंड रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स 5d में होंगे। इस प्रकार से 18 इलेक्ट्रॉन्स को और हमने इस बेहतरीन अंदाज में रिप्रेजेंट किया है, और टोटल हमने 72 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर हुआ है, ध्यान से देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर हुआ है। ब्लॉक कौन सा होगा? डी ब्लॉक होगा। आप सोच रहे होंगे डायरेक्टली कैसे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट किया है। आप ऐसे ही इंडिकेट करेंगे, डायरेक्टली आप इंडिकेट नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। आप आवभाव प्रिंसिपल एन प्लस एल रूल से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट करेंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होगा सबसेल्स में। उसके बाद 54 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको जिनोन की कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से इंडिकेट करनी होगी। जिनोन स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इसका क्या मीनिंग है? आपने 54 इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को इंडिकेट किया है। और उसके बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से आओ बाओ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, एन प्लस एल रूल को फॉलो करते हुए ऐसे मिल पाएंगे। और देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर हुआ है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए अगर हमें बात करनी है ग्रुप नंबर की, तो ग्रुप नंबर क्या होगा सोचिए। डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनएस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन माइनस वन डी। देखिए एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या है, एन यहां पर वैलेंस शेल है, एन माइनस वन डी पेनल्टीमेट सेल है। देखिए वैलेंस सेल कौन सी है जिसके लिए एन मैक्सिमम होगा, इसके लिए एन मैक्सिमम है। ये क्या है, ये सब सेल वैलेंस सेल के कोरस्पोंडिंग है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसके लिए हमें 2 पुट करना होगा। एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी सब सेल में, यानी पेनल्टीमेट सेल कोरस्पोंडिंग, पेनल्टीमेट सेल के कोरस्पोंडिंग जो डी सब सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी यहां पर हमें 2 पुट करना होगा। इस प्रकार से हमें ग्रुप नंबर मिल जाएगा 4। पीरियड नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर एन की मैक्सिमम वैल्यू से हमें मिल पाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू से पीरियड नंबर मिल पाएगा। पीरियड नंबर कितना होगा, पीरियड नंबर इस केस में होगा 6। जी हां, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। और प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस के लिए देखिए सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट आपके सामने है। जल्दी से सी पार्ट, डी पार्ट एंड ई पार्ट की केस में जो एलिमेंट्स इंडिकेटेड हैं,
इनके लिए क्या पीरियड नंबर होगा, क्या ग्रुप नंबर होगा, कमेंट सेक्शन में जाकर जल्दी से पोस्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसके बाद क्लास में मैं एंट्री लूंगा, उसके बाद आप अपने होमवर्क के आंसर को नोट कर पाएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स फाइनल आंसर तक करेक्टली पहुंच पाएंगे। चलिए आज इस बेहतरीन सेशन में इतना ही, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग बातें पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड और हम इस चैप्टर से रिलेटेड जानेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।